हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शैमरॉक आदर्श। आज हम मैथ का फोर्थ क्लास का चैप्टर करेंगे सेकंड, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यानी कि ऐड करना और माइनस करना, घटाना प्लस यानी कि जोड़ना और घटाना। नेक्स्ट हम करेंगे, ये स्टार्टिंग में है हमारा एडिंग विदाउट कैरिंग, भी हमारे पास कोई भी कैरी ना हो उसके बिना हमने ऐड करना है, जोड़ना है सभी को। एग्जाम्पल दी है हमने, हमें दी है ऐड करना है ये 1075 को, और तीनों को ऐड करना है। जैसे हम लिखेंगे, पहले जो हमारा, पहले हम सभी के नंबर डिजिट काउंट कर लेंगे। पहले हम करेंगे फर्स्ट वाले के 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट हैं। नेक्स्ट वाले के करेंगे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं। नेक्स्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि दो दोनों हैं लास्ट वाले, उनके 5 5 हैं, और फर्स्ट वाले का हमारा क्या है, 4 डिजिट हैं। तो हमको ऐसे लिखेंगे जैसे उन्होंने बताया हुआ है, पहले ये 4 डिजिट का लिखेंगे, फिर 5 डिजिट का, फिर आगे के 5 डिजिट का। हमें ऐसे लिखेंगे सभी ने, वो जैसे 5 है, 5 का डिजिट है, उसके नीचे 4 का डिजिट आना चाहिए और 4 के नीचे 0 का डिजिट आना चाहिए। ऐसे लिखना है, आगे पीछे कर जाएंगे प्लस करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, यानी कि उस डिजिट के नीचे वही डिजिट होना चाहिए जो हमने नेक्स्ट में दिया। यानी कि आप ऐसे कर लो, पीछे से ही राइट साइड से ही स्टार्ट करना है। जैसे हम पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और आगे का नेक्स्ट है 4 लिखेंगे, 1 2 2 और 1, फिर है 0 0 0 3 और 6। ऐसे करना सही हो जाएगा। ऊपर लिखा है हमारा ओ, हमारे पास ओ, ओ को मींस है 1। नेक्स्ट हमारे का टी है हमारा 10th। नेक्स्ट है 100 1000 10000, ठीक है, ये ऊपर लिखे हैं ओ टी एच टी एच, और टी एच का क्या मतलब है, ओ का मींस है 1s, टी का मींस है 10s, एच का मींस है 100, फिर 1000, फिर 10000। अभी हम जो ओ है यानी कि 1s है उनको प्लस करेंगे, जैसे 5 1s हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे, ये दो डंडे ऐसे होते हैं प्लस, फिर लिखेंगे 4 1s, फिर लिखेंगे 0 1s, काउंट करेंगे सभी को। अगर काउंटिंग करना आपको नहीं आता तो आप पहले करेंगे, जैसे 5 लिया तो 5 लाइंस लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 लाइन लगा दी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट 0 कोई भी लाइन नहीं है तो उसे क्या लिख देंगे, 0 ही लिख देंगे, कोई भी लाइन नहीं है। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे सभी लाइंस को स्टार्टिंग से, जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है हमारा 5 हो गया, नेक्स्ट जो 4 लाइनें लगाई थी उसको काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल बन गए 9, तो बन जाएंगे 9 1s, ये आंसर आ जाएगा। उसकी जगह पे लिख देंगे, लाइन लगाकर 9 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है 10s वाला, तो हम करेंगे 7 10s प्लस 1 10s प्लस 0 10s। तो इसे कैसे काउंट करेंगे, पहले 7 लाइन्स लगाएंगे उसके बाद 1, तो सभी को काउंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 10s। नेक्स्ट है हमारा 100 का, 0 100 प्लस 200 प्लस 0 100, लाइन्स लगाएंगे उनमें क्या आंसर आएगा, 2, तो 2 लगा देंगे। नेक्स्ट है 1000 का, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 इज इक्वल टू, वो क्या आएंगे, पहले 1 लाइन लगानी है, फिर 2 लाइन लगानी है, फिर 3 लाइन लगानी है, उनको काउंट करना है, क्या आ जाएगा, 6000। तो उसकी जगह लिख देंगे 1000, नीचे लिखेंगे आंसर में 6। और नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम 10000, 1 10000, 6 10000, वो क्या करेंगे, अगर फिर लाइन लगाएंगे, पहले 1 लाइन लगाएंगे, फिर 6 लाइंस लगाएंगे, उनको काउंट करेंगे, क्या बन जाएगा, 10 7 10000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या हुआ हमारा, 7 6 2 8 9। आगे करना है, नेक्स्ट एग्जांपल दिए हमने, उनको इस फॉर्म में लिखना है हमने। पहले लास्ट स्टार्ट करेंगे, पहले हमारा फर्स्ट डिजिट लेंगे, जैसे 2 5 0 4 1 2, ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4 0 1 5 8, ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 4 5 0 0 1, सभी को प्लस कर देंगे। फर्स्ट वाला है हमारा, जैसे होता है ये लास्ट वाला, राइट साइड से देखेंगे वो है 1s, उसके आगे वाला 10s, उसके आगे वाला 100s, फिर 1000 10000 और लाख, ये हुआ, यानी कि अब इंक्लूड हो गया हमारे साथ लैक। अभी 1s का प्लस करेंगे, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 2,
अभी लाइंस लगाएंगे, जैसे टू लाइन लगाई, उसके बाद फोर लाइन लगाई, उसके बाद टू लाइन लगाई, तो सभी को काउंट करेंगे लाइन को, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो क्या आ गया नंबर आठ, सभी लाइंस को काउंट करेंगे तो आ गया आठ। नेक्स्ट टेंस का फाइंड करेंगे, फाइव प्लस फोर सॉरी ज़ीरो प्लस फोर, तो फाइव और फोर कितने हो गए नाइन। ऐसे ही हंड्रेड का करेंगे, ऐसे थाउजेंड और ऐसे ही टेन थाउजेंड, ऐसे ही हमारा लाख का करेंगे तो हमारा डिजिट जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पहले किया था हमने एडिशन विदाउट कैरिंग, यानी कि हमारे पास कैरी कोई भी नहीं है, एक्स्ट्रा नंबर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है एडिशन विद कैरिंग, अगर हमारे पास कैरी हो तो कैसे करेंगे, ऐड करना है ये हमें ऊपर दिए हुए नंबर, इसे ऐड करना है हमने जैसे पहले किया था, लास्ट में से स्टार्ट करेंगे, जैसे थ्री नाइन वन टू वन, नेक्स्ट करेंगे एट फोर वन फाइव टू और थ्री सॉरी टू थ्री नाइन ज़ीरो वन, नेक्स्ट है फाइव सेवन टू नाइन वन, सभी को लिख लिया ना ऐसे। तो हम करेंगे वंस को ऐड करेंगे पहले, जैसे थ्री को प्लस किया एट से, प्लस किया टू से और प्लस किया फाइव से, यानी कि पहले हम थ्री लाइंस लगाएंगे, फिर एट लाइंस लगाएंगे, फिर टू लाइंस लगाएंगे और फिर फाइव वन लाइन लगाएंगे, तो काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह, यानी कि हमारे पास एटीन आ गया। हम जैसे वन टू थ्री ऐसे कर लेते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, यानी कि हमारे पास एटीन आया। तो हम एटीन कैसे लिखते हैं, वन और एट, यानी कि हमारा जो राइट साइड है वो एट है और लेफ्ट साइड से हमारा क्या है वन। तो हमने क्या करना है, जो राइट साइड वाला है जैसे एट उसे हम आंसर में लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड वाला है जैसे वन उसे हम जो हमारी अगली लाइन है जैसे नाइन है उसके ऊपर लिख देंगे, उसकी यानी कि उसके हेड पे सर पे लिख देंगे, ठीक है, और उसे काउंट करेंगे। जब हमने काउंट करना है सेकेंड को तो जो वन है हमारा उसके हेड पे लिखा हुआ है उसे भी साथ काउंट करेंगे, जैसे हमारा है वन नाइन फोर थ्री सेवन, इनको ऐड करना है तो हम लाइन लगाएंगे, पहले वन की लाइन लगाएंगे, फिर नाइन लाइंस लगाएंगे, फिर फोर लाइंस लगाएंगे, फिर थ्री लाइंस लगाएंगे और फिर लगाएंगे सेवन लाइंस, इन सभी लाइंस को काउंट करेंगे, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर आ गया ना हमारे पास, तो आया ट्वेंटी फोर, यानी कि ट्वेंटी फोर को कैसे लिखते हैं हम, टू आगे और फोर पीछे, यानी कि जो राइट साइड वाला फोर है पीछे वाला फोर है उसको हम आंसर में लिखेंगे और जो आगे वाला टू है उसे हम लिख देंगे, जो हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट वाली लाइन है उससे हम उसके सर पर लिख देंगे, जैसे हमारा वन है उसके सर पर लिख दिया हमने, अभी उसको ऐड करेंगे तो हमारा टू भी ऐड करेंगे उसके साथ, तो टू वन वन नाइन टू को अभी ऐड करना है, तो हम करेंगे जैसे टू लाइंस लगाई उसके बाद वन लाइन फिर नाइन लाइंस लगाई फिर टू लाइन, सभी को काउंट करेंगे, जैसे टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, यानी कि आंसर आया हमारा फिफ्टीन। फिफ्टीन को कैसे लिखते हैं, वन और फाइव, यानी कि जो पीछे वाला है फाइव, यानी कि राइट वाला डिजिट है वो फाइव है, फाइव को आंसर में लिखेंगे और जो उसके आगे वाला डिजिट है उसे हम लिख देंगे कैरी पर, यानी कि उसके हेड पर लिख देंगे। ये बन गया हमारा, जैसे वन टू फाइव ज़ीरो नाइन को भी ऐड करना, तो एक लाइन लगाएंगे फिर टू फिर फाइव लाइन फिर ज़ीरो फिर नाइन लाइन लगाएंगे, तो उसे काउंट करेंगे तो हमारा सेवनटीन आएगा। सेवनटीन कैसे लिखते हैं, वन और सेवन, तो जो सेवन राइट साइड वाला उसे हम आंसर में लिखेंगे और ये वन है हमारा लेफ्ट साइड वाला उसे उस आगे की लाइन के सर पर लिख देंगे, उसे हम ऐड करेंगे तो हमारा सिक्स आ जाएगा, ये हमारा होल बन जाएगा आंसर पूरा सम आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, एडिशन यानी कि प्लस करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट है हमारी ए है, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ़ द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर इज़ चेंज्ड, यानी कि जब हम उस डिजिट को चेंज कर देंगे, यानी कि नंबर को आगे पीछे लिख देंगे, हमारा जो प्लस होगा वो सेम ही आएगा। इस हमें बोलते हैं कम्यूटेटिव नंबर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि पहले हमारे पास था, जैसे था हमारे पास टू थ्री फोर फाइव, नीचे था हमारा थ्री वन टू एट,
ऐसे था, यानी कि 3 वाली लाइन नीचे थी। अब 3 वाली लाइन को हम ऊपर कर देंगे, यानी कि 3 1 2 8 को ऊपर कर देंगे और 2 3 4 5 को नीचे कर देंगे, यानी कि दोनों का प्लस होगा जो वो सेम होगा। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि दोनों का आंसर अगर उनके डिजिट को इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो उन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बी। प्रॉपर्टी बी में क्या है, द नंबर टू बी एडेड कैन बी रूप इन मैनर दैट देयर सम रिमेन सेम, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम क्या करेंगे, कोई भी तीन दिए हुए हैं हमको, तीन चीज़ों को प्लस करना है, तीन नंबर्स को प्लस करना है, तो हमें डिजिट दिए हुए हैं, अगर हम पहले दो का पेयर बना लें, यानी कि पहले दो को प्लस करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको तीसरे से प्लस करेंगे, तो जो प्लस होगा आंसर होगा वो क्या आएगा, 30570 ये आएगा। अगर हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ देंगे और दूसरे दोनों को प्लस करेंगे, जो उसका आंसर होगा उसके साथ पहले का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सभी का आंसर सेम आएगा। अगर वे पहले और तीसरे को लेंगे, उनका पहले और तीसरे का पहले प्लस करेंगे, जो उनका आंसर होगा उसको सेकंड वाले से करेंगे, तो जो आंसर होगा वो सेम होगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि किसी तरह से उन दोनों को, तीनों को किसी तरीके से ऐड कर लो, उसे क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज सी। इफ जीरो इज एडेड टू द नंबर द सम इज द नॉर्मल इटसेल्फ, जब हम किसी नंबर से जीरो को ऐड करेंगे तो वो हमारा जो आंसर होगा वो एज इट इज, जैसे था वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज, ये आपको ट्राई करके देखनी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। ये वर्ड प्रॉब्लम होती है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स दी होती हैं, उन्हें एडिशन करके देखना है कि आंसर सही आए या नहीं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अकॉर्डिंग टू जनस देयर आर 377,896 मैन हैं और 3,193 वोमेन हैं एंड 2,77,567 चिल्ड्रन हैं इन अ सिटी। एक सिटी में इतने मैन हैं, आदमी है और इतनी औरतें हैं और इतने बच्चे हैं, यानी कि उनका हमने टोटल फाइंड करना है। जब हमें टोटल फाइंड करने के लिए बोला हो तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कैसे करना है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, यानी कि उनको पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे 698773 और आगे का 339103 ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहले वंस को प्लस कर लेंगे, 6 है तो 6 लाइंस लगाएंगे, 3 है तो 3 लाइंस लगाएंगे, 7 है तो 7 लाइंस लगाएंगे, सभी को काउंट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 16 आ रहा है। तो हम मैंने पहले बताया 16 कैसे लिखते हैं, 1 और 6, यानी कि जो राइट साइड का है वो आंसर में लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड का है उसको अगली लाइन के सिर पर लिख देंगे, उसको फिर काउंट करेंगे। तो वो अगर दो डिजिट आए तो उसका जो राइट साइड का है उसको आंसर में लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड का उसको उसके सर पर लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे। ये आगे एक्सरसाइज है जो आपको ट्राई करनी है। आई होप ये आप चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।